दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप FIR लॉन्च कराना चाहते हैं लेकिन आप जिसकी कंप्लेन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आप थाने में जाकर बोल रहे हैं कि FIR लॉन्च कर लीजिए, उस व्यक्ति का जो अप्रोच है बहुत ही ऊपर तक है। हो सकता है वहाँ कोई पॉलिटिकल आदमी हो, कोई अधिकारी हो, पुलिस में ही हो, बहुत पैसे वाला हो, तो इस वजह से अगर पुलिस FIR नहीं लिख रही है तो आखिर इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपके पास क्या लीगल रिमेडीज हैं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर हमारे कानून का, हमारे संविधान का यह खूबी है कि कोई भी गलती करेगा तो आप उसके खिलाफ FIR करा सकते हैं और उसके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी। लेकिन कुछ लोग जो कानून का, नियम को पालन कराने का जिम्मा ले रखे हैं, वे अपने फर्ज से यहाँ पर बेईमानी करते हैं। जी हाँ, कई बार ऐसा प्रैक्टिकल में आपको देखने को मिलता होगा कि आप कोई भी कंप्लेन लेकर पुलिस थाने में जाते हैं तो पुलिस आपको समझाती है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, आपके कंप्लेन करने से कुछ नहीं होने वाला है, आप किसको वापस ले लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। और अगर आप प्यार से उनकी बातों को नहीं समझते हैं तो उल्टे वहाँ आपको केस में फंसाने की धमकी देते हैं, आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, गाली गलौज करते हैं। जी हाँ, ऐसा कॉमन चीज है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी कंप्लेन लेकर पुलिस अधिकारी के पास जाते हैं और अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपको चाहिए कि आप फोन से रिकॉर्डिंग करें, लेकिन कई केसेस में फोन से रिकॉर्डिंग करना संभव नहीं होता है, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं उनका भी फोन लेकर तोड़ देते हैं या लॉकअप में ही बंद कर दे। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कानून ने, हमारे संविधान ने पुलिस को ऑटोनोमस पावर दे रखा है, जिस चीज का वो फायदा जमकर उठाते हैं। तो अगर वो FIR नहीं लिख रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, मैं जो बता रहा हूँ आप उसे गौर से सुने और वीडियो में अंत तक बने रहें, आप वीडियो को बीच में स्कैप नहीं करें। अगर आप किसी भी थाने में जाकर ओरली कंप्लेन करते हैं, वे नहीं सुनते हैं, तो आप उसी थाने में अपने कंप्लेन को लिख कर बाय रजिस्टर इंडियन एसपी पोस्ट के माध्यम से भेज दें। इसमें होगा क्या कि आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा, एक रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन्हें हरकत में आना ही होगा। और इसके बावजूद भी अगर वह हरकत में नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर RTI यानी कि राइट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के माध्यम से जान सकते हैं कि आपके कंप्लेन करने पर भी क्यों नहीं कार्रवाई हुई, और उन्हें जवाब देना होगा। या फिर आप यहाँ पर जो जिले के एसपी साहब होते हैं, पुलिस उप सुप्रिटेंडेंट होते हैं, आप उनसे कंप्लेन कर सकते हैं। फिर जब एसपी साहब के पास कंप्लेन जाता है तो उनका यहाँ पर ड्यूटी बनता है कि वो FIR को लॉन्च करवाएं। अगर वहाँ से भी बात नहीं बनता है तो आप सीधे वकील के माध्यम से कोर्ट में जा सकते हैं, और यहाँ पर आपके कंप्लेन पर FIR लॉन्च नहीं हुआ, थाने में कुछ नहीं हुआ, एसपी साहब के पास कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पर कोर्ट सभी को फटकार लगाएगा, कई बार तो पेनाल्टी तक लगा दिया जाता है। तो मैंने जो बताया आपको वही करना है। अगर शासन प्रशासन आपका नहीं सुने तो आप वकील से मिले और कोर्ट में जाए, क्योंकि जिसका शासन प्रशासन नहीं सुनता है उसका कोर्ट जरूर सुनता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है Pritesh1584, आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।